केन्द्र कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन व्यवहार और रप्तानी भारत को ग्लोबल हब करने को मिशन एने सूचना देते केन्द्र मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षत बसी केन्द्र कैबिनेट बैठक एथिरे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन व्यवहार और रप्तानी भारत को ग्लोबल हब करने को मिशन रखाई एथिपाई केन्द्र सरकार खर्च करेंगे 19744 कोटी टंका हाइड्रोजन मिशन देशर अक्षय शक्ति क्षमता गठन दिगरे एक जुगांतकारी पदक्षेप हेब ए मिशन देशर प्राय 125 गिगावाट अक्षय शक्ति क्षमता जोग करिब बोली आशा करा जाउछि एहा जीवाश्म ईंधन आमदानी उपरे देशर निर्भरशीलता को ह्रास करिबारे साहाज्य करिब ए मिशन माध्यम रे सरकार ईंधन आमदानी को 1 लाख कोटी ह्रास करिबाकु लक्ष्य रखिछन्ति। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, दो तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके।